दोस्तों, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदना की फिल्म पुष्पा 17 दिसंबर को रिलीज हुई थी। रिलीज होने के साथ साथ इस फिल्म को ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस मिला। जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी उसी दिन इस फिल्म ने 45 करोड़ रुपए कमा लिए थे और इस फिल्म को लगातार ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला और सपोर्ट भी। फिल्म को इतना हिट होते हुए देखकर ऑडियंस के मन में यह सवाल आ रहा है कि इस फिल्म को करने के लिए कास्ट को कितनी सैलरी मिली। और अगर आपके भी मन में यह सवाल आ रहा है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका सेलेब्स फॉर स्टाइल में। लाखों दिलों पर राज करने वाली और साउथ इंडियन फिल्मों की खूबसूरत एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, जो इस फिल्म में लीड में नजर आई हैं, उन्होंने ये फिल्म करने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए की फीस ली है। समंथा रूथ प्रभु ने इस फिल्म में आइटम सॉन्ग किया है। एक आइटम सॉन्ग करने के लिए समंथा ने 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाने वाले फहाद फाजिल, जिन्होंने इस फिल्म में विलन का किरदार निभाया है, उन्हें इस फिल्म को करने के लिए 3.5 करोड़ रुपए बतौर फीस ली है। अनसुया भारद्वाज, जिन्होंने पुष्पा मूवी में स्ट्रांग लेडी का किरदार निभाया है, उन्होंने पर डे शूट के लिए करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए चार्ज किए हैं। सुनील ने पुष्पा फिल्म में जबरदस्त किरदार निभाया है, इस रोल के लिए उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। आर्या जैसी हिट फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर सुकुमार ने ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इस फिल्म का म्यूजिक प्रोडक्शन देवी श्री प्रसाद ने किया है, उन्होंने इस मूवी में म्यूजिक देने के लिए 3 करोड़ रुपए फीस के तौर पर लिए हैं। बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लू अर्जुन, जो कि इस फिल्म के मुख्य किरदार में है, उन्हें इस मूवी के लिए काफी अच्छी खासी रकम मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने 50 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये अमाउंट कन्फर्म नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।